हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, कुछ लोग प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और उसके बाद उनका ये सवाल होता है कि मैडम, पहले तो हमारा टेस्ट नेगेटिव आया, हमने 2 मिनट बाद देखा, 3 मिनट बाद देखा, तो हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया, यानी कि एक ही लाइन आई। उसके बाद 15 मिनट बाद या फिर 20 मिनट बाद वो लाइन जो है दूसरी भी हमें दिखने लग गई, हल्की लाइन दिखने लग गई, यानी कि 2 लाइनें हो गई, दूसरी लाइन जो है हल्की दिखने लग गई। तो इस केस में हमें क्या प्रेगनेंसी पॉजिटिव समझना चाहिए या फिर निगेटिव समझना चाहिए, क्या हम समझे, काफ़ी डाउट है। तो आज हम इन्हीं सारे डाउट क्लियर करेंगे आपकी इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। तो देखिए, होता क्या है कि जब आपको प्रेगनेंसी टेस्ट जब आप करते हैं तो आपको 2 से 3 मिनट के बाद रिजल्ट पता चल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक आपको रिजल्ट शो हो जाता है। जब आप यूरिन डालते हैं उसके बाद 5 मिनट आप किट को रखेंगे, उसके बाद अगर आपका नेगेटिव होगा तो एक लाइन आएगी सी वाले सेक्शन पे, और टी वाले सेक्शन पे कोई लाइन नहीं आएगी, तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट होता है वो नेगेटिव होता है। दूसरा क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव आया पहले, उसके बाद आप 15 मिनट बाद किट को देखते हैं या फिर 20 मिनट या फिर आधे घंटे बाद किट को देखते हैं, तो वहाँ पर हल्की लाइन सो होती है, जिसे हम इवेपोरेशन लाइन कहते हैं। क्या होता है कि जब आप किट को काफ़ी देर तक रखते हैं तो जो यूरिन है वो इवेपोरेट हो जाता है, और भाप के कारण जो लाइन है वो दूसरी भी सो हो जाती है, हल्की कलरलेस लाइन या फिर लाइन आपको दिखती है। तो वो ऐसा क्यों होता है? देखिए, उसके पीछे यही कारण होता है कि वो इवेपोरेशन लाइन होती है, और जो कि भाप के कारण बनती है, जब आप किट को ज़्यादा देर तक रखेंगे तो डेफिनेटली वो लाइन बन ही जाएगी। कई लोग क्या करते हैं कि दूसरे दिन उस किट को फेंकते हैं तो तब देखते हैं तो वहाँ पर लाइन उनको दूसरी शो होती है, तो तब वो टेंशन में आ जाते हैं कि हमें तो रिजल्ट निगेटिव शो हो रहा था, लेकिन अब जब हम इसे फेंकने जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, 2 लाइन क्यों हैं, तो काफ़ी डर जाते हैं। तो ऐसा मतलब डाउट आपको मन में नहीं रखना है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आपको टेस्ट रिजल्ट 2-3 मिनट के अंदर ही चेक कर लेना है। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, 2 लाइन आ जाएंगी, निगेटिव होगा तो 1 लाइन आएगी केवल सी वाले सेक्शन पे, और पॉजिटिव होगा तो और सी और टी सेक्शन दोनों पे लाइन आएंगी। लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि कम दिन की प्रेगनेंसी होने की वजह से जो टी वाला सेक्शन है उसमें हल्की लाइन आती है इस तरीके से, तो उस पर तो आपको 1 हफ्ते बाद फिर से रिपीट कर लेना चाहिए टेस्ट। अगर आपको प्रेगनेंसी होगी तो वहाँ पे वो लाइन भी डार्क आपको 1 हफ्ते बाद दिखेगी, लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं है और आप 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद या फिर दूसरे दिन देख रहे हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको लाइन दिखनी ही है, जो कि इवेपोरेशन लाइन होती है, जो कि भाप अपना जो लाइन है वो छोड़ देता है यूरिन का, तो उस कारण आपको लाइन दिखती है, और जिसका मतलब नेगेटिव ही होता है। आपको डरना नहीं है। उम्मीद करती हूँ मेरे इस वीडियो से आपका टेंशन खत्म हुई होगी, डाउट क्लियर हुआ होगा। तो इसी बात पे लाइक तो बनता है, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। और कोई डाउट है अभी भी मन में तो नीचे कॉमेंट में ज़रूर लिखें, हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपका यूनिक सवाल होगा तो उस पर वीडियो बनाने का, या फिर आप हमारा प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट वीडियो अवेलेबल है। प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, वहाँ पे भी काफ़ी वीडियो अवेलेबल है आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो वहाँ से आप वीडियो वॉच कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिर भी नहीं होता है तो ज़रूर हमें कॉमेंट करिए, हम आपके कॉमेंट जरूर पढ़ते हैं। तो चलिए, फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।